आप किसी भी सरकारी कार्यालय में जाएं, बिना पैसे खिलाए काम नहीं होगा। बाबू से लेकर अधिकारी तक हर किसी का हिस्सा बना हुआ है। पूरा तंत्र है जो घूस की रकम को नीचे से ऊपर तक पहुंचाता है। घूसखोरी रोकने के लिए चाहे जितने बड़े कानून बनाए गए, भ्रष्टाचारी कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही लेते हैं। केवल सरकारी कार्यालय ही नहीं, भ्रष्टाचार समाज के हर अंग में दीमक की तरह घुसा हुआ है। लेकिन क्या आपने सोचा कि भारत में ये समस्या क्यों इतनी गंभीर है? जिस संस्कृति में कर्म और धर्म जैसी बातों को इतना महत्व दिया गया है, वहां भ्रष्टाचार कैसे सामान्य दिनचर्या का अंग बन गया? इतिहास की दृष्टि से देखें तो भारत में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की परंपरा मुस्लिम शासन के समय से आरंभ हुई। बाद में अंग्रेजों ने इसे खाद पानी दिया और स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाया। भारत में शासकीय वर्ग द्वारा भ्रष्टाचार पर सबसे आरंभिक लेखन आचार्य चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलता है, लेकिन इसमें अधिकांश राजकोष अर्थात सरकारी खजाने के अपव्यय को रोकने की बात है। इसके 8 प्रमुख कारण बताए गए हैं। पहला, प्रतिबंध अर्थात राजस्व वसूली के बाद अपनी निगरानी में न रखना या राजकोष में जमा न करना। दूसरा, प्रयोग अर्थात सरकारी धन का अपने हित में लेन देन करना। तीसरा, व्यवहार सरकारी धन को अपने निजी व्यापार में लगाना। चौथा, अवस्तार अर्थात कर वसूली में देरी करना और बाद में देनदार को तंग करना। पांचवा, परिहापण यानी कुशासन के कारण आय में कमी और व्यय में वृद्धि। छठा, उपभोग स्वयं और दूसरों को राजधन का दुरुपयोग करने देना। सातवां, परिवर्तन राजधन के द्रव्यों को दूसरे द्रव्यों से बदल देना। आठवां प्रकार है अपहार अर्थात प्राप्त सरकारी धन को हिसाब में न लिखना। चाणक्य ने इन सभी प्रकार के भ्रष्टाचारों के लिए दंड तय किए हैं, साथ ही आर्थिक क्षतिपूर्ति की भी व्यवस्था की है। लेकिन चाणक्य के वर्णन से यही समझ में आता है कि प्राचीन भारत में भ्रष्टाचार व्यक्तिगत समस्या थी, संस्थागत नहीं। कुछ व्यक्ति भ्रष्टाचार कर सकते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि लूट खसोट का कोई तंत्र स्थापित हुआ हो। वास्तव में भ्रष्टाचार की संस्थागत व्यवस्था की शुरुआत मुस्लिम शासकों के आने के बाद हुई। इसका कारण बना एक इस्लामिक परंपरा जिसे नजराना कहते हैं। शासन के हर स्तर पर निचला व्यक्ति अपने ऊपरी को नजराना देता था। ये एक तरह की वफादारी की निशानी था और देने वाले पर बाध्यकारी था। नजराने में अधिकांश सोने चांदी या बहुमूल्य वस्तुओं की भेंट दी जाती थी। ये क्रम शासन के सबसे निचले व्यक्ति से लेकर बादशाह तक चलता था। काजी और दीवान पर अपने उच्चाधिकारियों तक अधिक से अधिक नजराना पहुंचाने का दबाव रहता था। क्रम में कोई निचला व्यक्ति अपनी कुर्सी पर कितने दिन रहेगा, ये नजराने की रकम से ही तय होता था। अंततः इसकी वसूली अधिकांश सामान्य जनता, किसानों और व्यापारियों से की जाती थी। मुस्लिम शासकों द्वारा थोपी गई नजराना व्यवस्था भारतीय राजाओं में उपहार की परंपरा से बिल्कुल भिन्न थी। उपहार स्वैच्छिक व्यवस्था थी और इसकी लेन देन का सामान्य प्रजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, जबकि नजराना सुरक्षा के बदले एक तरह का भयादोहन या ब्लैकमेल था। 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने प्रशासनिक सुधारों के नाम पर भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप देना आरंभ किया। नजराना न मिलने के कारण ही खिलजी ने बड़ी संख्या में हिंदुओं की भूमि जब्त कर ली। वो चाहता था कि हिंदू उसे तोहफे में सोना दें ताकि सरकारी खजाना भरा रहे और वो सिकंदर हिंद बनने का अपना सपना पूरा कर सके।
यही व्यवस्था औरंगजेब के काल तक चलती रही। हिंदुओं को लूट कर जो भी सबसे अधिक सोना चांदी बादशाह तक पहुंचाता उसका रुतबा उतना ही बढ़ता जाता। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसने नजराने की इस व्यवस्था को अपने हित में प्रयोग करना आरंभ कर दिया। उसने सबसे पहले शाही कर्मचारियों को खजाने के रूप में रिश्वत लेकर खरीदना आरंभ किया। भारत में अंग्रेजों के पैर जमाने के पीछे भी नजराने की इस्लामी व्यवस्था का बड़ा हाथ है। हालांकि पूरी व्यवस्था को चंगुल में लेने के बाद अंग्रेजों ने नजराना देना बंद कर दिया। मुगलों के साथ उनके टकराव का आरंभिक कारण यही था। इसके दो बड़े उदाहरण मिलते हैं। 1770 के दशक में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिलने की दो शर्तें रखी थीं। पहली ये कि उसका आसन राजा के बराबर ऊंचाई का हो, दूसरी ये कि वो राजा को कोई नजराना नहीं देगा। शाह आलम ने शुरू में दोनों शर्तें मान ली थी, लेकिन बाद में वो इनसे मुकर गया और वॉरेन हेस्टिंग्स से मुलाकात रद्द कर दी। इसी तरह वर्ष 1826 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट ने जब मुगल दरबार का दौरा किया तो वो बादशाह अकबर शाह के साथ बराबरी की कुर्सी पर बैठा। उसने कोई नजराना नहीं दिया बल्कि मुगलों से एक मोटी रकम वसूल कर गया। मुगलों की ही तरह ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी व्यवस्था रिश्वत खाने और खिलाने पर आधारित थी। थोड़े बहुत बदलावों के साथ ये अंग्रेजों के जाने तक चलता रहा। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद अवसर था कि शासन व्यवस्था में इस संस्थागत भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इसे जारी रखने में ही अपना हित समझा। पिछले वर्षों में भ्रष्टाचार और घोटाले की जो सबसे बड़ी घटनाएं सामने आईं, उन सब में ये आरोप लगा कि भ्रष्टाचार की राशि का एक बड़ा हिस्सा सीधे गांधी परिवार तक पहुंचाया गया। प्रशासन के निचले स्तरों पर भी अब ये व्यवस्था इतनी पक्की हो चुकी है कि बहुत प्रयास करके भी नरेंद्र मोदी सरकार इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाई है। यदि भ्रष्टाचार को दूर करना है तो समाज का हिंदूकरण आवश्यक है। भारत कर्म पर आधारित संस्कृति है। यहां पर मान्यता है कि बुरे कर्मों का परिणाम हमें आने वाले जन्मों में भुगतना पड़ता है। फिर भी यदि बड़ी संख्या में लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो इसका कारण धर्म से बढ़ती दूरी और बीते हजार वर्षों में हुई इस्लामीकरण और ईसाईकरण है। भ्रष्टाचार से कमाए धन का कुछ भाग धार्मिक कार्यों या दान में खर्च करके अपराध बोध से मुक्ति पा जाने वाली मानसिकता भी अब्राहमिक मजहबों के कारण पैदा हुई है। अब समय आ चुका है कि एक समाज के रूप में हम हजार साल से थोपी जा रही अपसंस्कृति को दूर करें। किसी भी बदलाव का आरंभ स्वयं से होता है। जब हम बदलेंगे तो देश भी बदलेगा। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।